लेक्चर 5 ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपका स्वागत है। तो अभी हम लोग रेशनल टर्म्स को देखने वाले हैं कि रेशनल टर्म्स का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, क्या यूज़ होगा यहाँ पे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, वो भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए, सबसे पहला काम क्या है, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन आपको दिखे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले हम उसको डिवाइड करेंगे, तो देखेंगे डिवाइड करके कितना होता है। एक्स प्लस टू से डिवाइड करना है आपको, एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू, इसको आपको डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करते हैं, सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर, फोर में से दो गया, चार में से दो गया तो दो, टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। अब आप क्या करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x से, तो 2x स्क्वायर हो गया माइनस 4x हो गया, सॉरी प्लस 4x हो गया, माइनस 3 और माइनस 4 कितना हो गया, माइनस 7x माइनस 2 हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7 से, तो माइनस 7x माइनस 14 हो गया, माइनस माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गया, 14 में से 2 हो गया तो कितना हो गया 12। तो आपका ये आ रहा है कोसेंट मतलब भागफल, और ये आ रहा है रिमाइंडर शेषफल, ये आपका रिमाइंडर आ रहा है और ये आपका कोसेंट आ रहा है यानी कि भागफल आ रहा है। तो आप इसको इसको कैसे लिख सकते हैं, दूसरे फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो, ये तो पूरा पूरा भाग लिख के कितना आ गया 2x माइनस 7, पूरा पूरा डिवाइड करके कितना आ गया, और जो रिमाइंडर बच रहा है वो कितना बच रहा है आपका 12, तो 12 बाय एक्स प्लस टू ये हो गया, इसको डिवाइड करके इतना हो गया। ये वाला कौन सा टर्म, बस अंदर वाला टर्म को सिंप्लीफाई करें तो इतना आ गया। अब इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेशन करना है, को इसका इंटीग्रेशन करना है, तो डी एक्स लगा दीजिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहला काम क्या करना है, डिवाइड करना है, जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास ये आ गया था, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो आपके पास यहाँ पे, सॉरी, तो मैं ये क्या कह रहा था कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या यूज होगा, पावर रूल, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका पावर रूल हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, ये वाला, अगर 1 बाय एक्स डी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन मॉड एक्स। अब यहाँ पे x के जगह कुछ और आ जाए, जैसे x प्लस टू आ जाए या x प्लस थ्री आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन मॉड x प्लस थ्री। जब तक यहाँ इस तरह के फॉर्म में x का पावर लीनियर है, कितना है, लीनियर है, जब तक ये लीनियर है, x का पावर वन है अभी, प्लस कोई कांस्टेंट है, तो इसका ये होता है, मतलब अगर यहाँ पे थ्री की जगह कुछ भी आ जाए, x प्लस कोई कांस्टेंट मान लीजिए a, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एल एन मॉड x प्लस a। तो यहाँ अब हम लोग क्या करेंगे, सारे रूल्स का यूज करेंगे, और रूल्स दूसरा यहाँ पे क्या, पावर रूल एक बार फिर बता दूँ, x पे पावर n dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, पावर, तो पावर रूल क्या बोलता है, x पे पावर n का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक पावर को इंक्रीज कर देंगे तो n प्लस वन डिवाइडेड बाय n प्लस वन, ये प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगा देना है। तो हम लोग ये यूज करेंगे। अब देखिए, अब ये जो इंटीग्रेशन है इसको सब खोल दीजिए, मतलब ये इसके पास चले गए, ये इसके पास चले गए, ये इसके पास चले जाएगा, ये इसके पास चले जाएगा, और जो भी कांस्टेंट है, जैसे कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 12, इसको बाहर लिख देते। अब देखिए पावर रूल के हिसाब से क्या बोलता है, ये पावर इंक्रीज हो जाएगा तो एक्स पे पावर 3 बाई 3 हो जाएगा, पावर रूल एक्स पे पावर एन डी एक्स बराबर जो भी पावर है उसको 1 से इंक्रीज करेंगे और उसी से डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्लस कोई कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंटीग्रेट होने के बाद लगा देंगे, तो 2 ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक पावर इंक्रीज करेंगे तो एक्स स्क्वायर जितना पावर हुआ है उससे डिवाइड, और दूसरा रूल क्या है कि डी एक्स का इंटीग्रेशन याद रखना है हमेशा कितना होता है एक्स, जैसे एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है डी एक्स, उसी तरीके से डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स प्लस 12। अब ये वाला फार्मूला मैंने अभी आपको बताया
कि अगर यहाँ पे x dx रहता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, ln एन मॉड एक्स। उसी तरीके से अगर x प्लस कुछ भी रहे या x माइनस कुछ भी रहे, x माइनस भी रहे या प्लस भी रहे, कुछ भी रहे, तो क्या हो जाएगा, ln एन मॉड एक्स माइनस a। अगर प्लस रहे तो भी क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ln एन मॉड x प्लस a। तो उसके हिसाब से ये कितना बनेगा, ln एन मॉड x प्लस 2। इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐड कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करके इतना आ रहा है। अब इसी तरह का एक सिमिलर क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, उसको सॉल्व करते हैं। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्या समझ में आया, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं। x माइनस टू से डिवाइड करना है किसको, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस टू को, ठीक है। x बार में लगाइए सबसे पहले 2x बार में, तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है, माइनस ये प्लस, x और 4x कितना हो गया, 5x माइनस टू। अब कितने बार में लगाएंगे, 5 बार में, 5 से मैं लगाइए, 5x माइनस 10 माइनस प्लस, 10 में से 2 गया 8, 8 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, इसको डिवाइड करके कितना आ गया, आपको डिवाइड करके कितना आ गया, ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस टू है, इसको आपने x माइनस टू से डिवाइड किया, तो आपके पास कितना आ गया, डिवाइड करके, डिवाइड करके आया आपका 2x प्लस 5, ये आपका कोसेंट है, ये भागफल है आपका। तो पूरा पूरा भाग किससे, कितने बार में लग गया, 2x प्लस 5 में, और रिमाइंडर कितना बच गया आपका, शेषफल कितना बच गया, 8, इतना बच गया। इसमें इसमें आप भाग नहीं लग पाए आपसे, आप इसको डिवाइड नहीं कर पाए, ये आपका रह गया x माइनस टू। लेकिन करना क्या आपको, इंटीग्रेशन, तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, ठीक है, ये आपको निकालना है। अब क्या करेंगे हम लोग, सबको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। पहला टर्म क्या है, 2x, तो कांस्टेंट इससे बाहर निकाल लीजिए, ये हो गया। दूसरा टर्म क्या है, 5, तो 5 को बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है। तीसरा टर्म क्या है, ये वाला 8 कांस्टेंट है, इसमें जो बच गया उसको अंदर रखिए आप। तो अभी आपको मैंने क्या फॉर्मूला बताया, ये वाला 1/x प्लस a या x माइनस a जो भी रहे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, ln mod x प्लस a, और नीचे वाले का कितना हो जाएगा, ln mod x माइनस a, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, x स्क्वायर बाई 2। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, याद रखना है, dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x, तो 5x प्लस 8, यहाँ पे क्या करेंगे, ln mod लगा देंगे x माइनस 2। इंटीग्रेशन हो गया कंप्लीट। अब आपको कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना है, तो प्लस c, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कैंसिल आउट, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ln mod x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, अगर आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे फाइनल आंसर, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 ln mod x माइनस 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरीके से अगर रैशनल फंक्शन है, इस तरीके से पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म का है, ये रैशनल फंक्शन है, इसका फॉर्म क्या है, पी एक्स बाई क्यू एक्स, सॉरी, किस फॉर्म का है, ये पी एक्स बाई क्यू एक्स। अगर रैशनल फंक्शन है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई, उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है आप उसको पावर रूल, एक्सपोनेंट रूल, जो भी रूल आपके पास है आप उसका यूज़ करके इंटीग्रेट कीजिए उसको। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।